सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एल्काइन के वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया गया है, विच एल्काइन यील्ड्स ब्यूटेनोइक एसिड एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो कोई भी एल्काइन है उसकी रिएक्शन आप यदि ओजोनोलिसिस कराएंगे, सिंपल जैसे 1-butyne हम ले लेते हैं, 1-butyne हमारे पास ये है, इसका ओजोनोलिसिस विद H2O कराएंगे तो आपको एसिड ही मिलेगा। सिमेट्रिकल एल्काइन है तो दोनों के दोनों जो एसिड बनेंगे वो सेम बनेंगे, पर यहाँ पर जो एसिड बनेगा वो 2 कार्बन का होगा, दैट मीन्स इथेनोइक एसिड। हमें क्या चाहिए, 4 कार्बन का एसिड चाहिए, तो 4 कार्बन इस तरफ होने चाहिए और 4 कार्बन ही इस तरफ होने चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये क्या है, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये क्या Oct 4I। यदि हमें ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है और वो भी एकमात्र प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्टाइन होगा, Oct 4I, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट 22 हमारे पास पूछा गया है। 22 में हमारे पास यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड ये फॉर्म कब हो रहा है, जब हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के हम यूज़ कर ले, तो हमारे पास ये कंपाउंड जो ए होगा इसमें क्या एडिशन होगा, 2 pi bonds एडिशन होंगे, एडिशनल 2 pi bond या 2 ring कुछ भी जो हाइड्रो उसको जस्टिफाई करे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को। तो सिंपली यहाँ पर अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका कैलकुलेट करें तो इसका क्या होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड 3 है, 3 + 2 = 5 और 2 ring है, तो यहाँ पर इसका DU क्या है, 7। ठीक है, इसका DU 7 है तो 2 mole हाइड्रोजन और ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका DU कितना होगा, DU 9 होगा। क्यों, क्योंकि 9 है तो 2 mole हाइड्रोजन कहाँ यूज हो जाएंगे, 2 pi bond को रिड्यूस करने में यूज हो जाएंगे, तो वहाँ पर 2 pi bond नहीं होंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर DU क्या है, 9 है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, तो जितने मोल हाइड्रोजन होंगे उतने ही डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को ऐड कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 में हमारे पास में दिया गया है ये एनहाइड्राइड, इस एनहाइड्राइड का आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा COOH और COOH, यहाँ पर ये बन गया। फिर NaOH क्या हो, बेस है, NaOH बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, यहाँ पर COO- Na+, यहाँ पर COO- Na+, ये इस तरह से। अब इसमें कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने से क्या मतलब है, यहाँ पर ये इस तरह से होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कैसे बन रहा है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH था, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर और इसमें कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई और क्या बन जाएगा, एल्काइन, जो कि क्या है, इथाइन। तो हमारा जो फाइनल आंसर है सी प्रोडक्ट, वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट 1-butyne इंटू 1-D-butanol वन वुड कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, 1-butyne है, दैट मीन्स ये है, इससे किसको क्या कन्वर्ट करना है, हमारे पास 1-butanol में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा वो देखना है, तो सोडियम एमाइड देन D2O, हमारे पास यहाँ पे क्या CHO, ये टर्मिनल का है, सोडामाइड यूज करेंगे NaNH2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एसिडिक एच को ले जाएगा और एनायन का फॉर्मेशन होगा, फिर D2O, तो D2O के साथ में क्या होगा, एसिडिक, ये एनायन जो होगा वो ड्यूटेरियम से लिंक हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि ये वाला नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसके बाद जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सेकेंड, ये डाई आइसोम दिस एमाइल ब्रोमेन और हाइड्रोजन प्रोक्साइड दिया हुआ है, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये कहाँ किसकी जगह यूज कर रहे हैं, हम सिंपली BH3 की जगह यूज कर रहे हैं, डाइएल्काइल बोरेन। जो डिस एमाइल बोरेन होता है वो होता क्या है, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है डिस एमाइल ब्रोमेन का, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, पर ये काम जो करेगा वो जस्ट सिमिलर करेगा किसकी तरह, BH3 की तरह। ठीक है, तो अपने पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है सिंपली एल्काइन का, तो आप सिंपली एल्काइन का यदि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे आप तो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहीं पे OH जुड़ जाएगा, इसका टोटोमेरिज्म आप कराएंगे तो टोटोमेरिज्म कराते ही हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये टर्मिनल एल्डिहाइड बन रहा है और हमें अल्कोहल बनाना है, तो सेकेंड ऑप्शन भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन है द ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट विद द इंडिकेटेड रिएजेंट्स, तो दोनों रिएजेंट से हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जो कि ऑप्शन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अननोन कंपाउंड ए हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, C4H6 मतलब हमारे पास CnH2n-2, ये फॉर्मूला है, दैट मीन्स ये क्या है, एक एल्काइन है, ये हमने कंक्लूड कर लिया। इसके बाद में पूछा गया कि व्हेन ए इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Br2 ए न्यू सब्सटेंस बी विल बी फॉर्म्ड C4H6Br4, ठीक है, आयन में क्या होगा, सिंपली आयन हमारे पास दिया हुआ है, चार कार्बन का एल्काइन है, वो Br चार लगी जाएंगे, ठीक है, फिर ए फॉर्म्स ए वाइट पीपीटी विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वाइट पीपीटी विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, टोलेंस रिएजेंट है। अब टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कौन सा करता है, ओनली टर्मिनल एल्काइन, तो हमारे पास ये टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाइट पीपीटी, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा, ब्यूट वन आइन, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट 26 पूछा गया है, 1 mole of 1,2-dibromopropane ऑन ट्रीटमेंट विद X mole of NaNH2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद इथाइल ब्रोमाइड गिव्स ए पेंटाइन, तो हमारे पास 1,2-dibromopropane, हमारे पास देखिए तीन कार्बन है, यहाँ पे Br, यहाँ पर Br, ठीक है, इसमें 2 mole NaNH2 के आपने यूज किए, तो हमारे पास 2 mole HBr का रिमूवल होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ जाएगा, तो हमारे पास इससे क्या बन जाएगा, हमारे पास ये एल्काइन बन जाएगा, फिर 1 mole NaNH2 का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस एनायन का आप CS इथाइल ब्रोमाइड पे SN2 अटैक कराएंगे, थाइल ये SN2 अटैक होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, हमारे पास C3C ये पेंटाइन बन जाएगा, ठीक है, पेंट 2-ion। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमारे पास कितने मोल NaNH2 के यहाँ पर यूज हुए, तो यहाँ पर 3 mole NaNH2 के यूज हुए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 27 पूछा गया है, 27 में हमारे पास यहाँ पर एक्सेस HBr दिया हुआ है और ये एल्काइन है, तो एल्काइन में इनिशियली क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, डबल बोन CH2, ठीक है, हाइड्रोजन इससे जाके लिंक हो जाएगा, फिर यहाँ पर Br- आ जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो बन गया वो बन गया यहाँ पर एक बार Br, ठीक है, फिर एल्कीन है, फिर HBr, H+ और Br-, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह H+ पे अटैक करेगा, अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो फिर कार्बोकैटायन हमारे पास यहाँ पे बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो Br है उसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, फिर फर्दर हमारे पास Br- अटैक करेगा किस कार्बोकैटायन पे, यहाँ पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जेम डाई हैलाइड, एक ही कार्बन पर यदि दो हेलोजन जुड़े हुए हों तो हमें जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एल्काइन दिया हुआ है और कोल्ड केमेनोफोर दिया हुआ है, कोल्ड केमेनोफोर रिएजेंट किसके लिए यूज होता है, पर हाइड्रोक्सीलेशन, पर हाइड्रोक्सीलेशन से मतलब क्या है कि 1,2-diol का फॉर्मेशन करना, ये एल्कीन पे रिएक्शन कराता है, सिंपली जैसे आपके पास कोई एल्कीन दिया हुआ है ये वाला, इसका आप कोल्ड केमेनोफोर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास ये जो दोनों, ये क्या होता है, सिन एडिशन रिएक्शन होती है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वहाँ पे OH ग्रुप लग जाते हैं, सिमिलरली यहाँ पर होगा, पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, इनिशियली एक बार डबल बॉन्ड पे यूज होगा तो यहाँ पर OH लग गया, फिर फर्दर वापस रिएक्शन होगी तो इन्हीं कार्बन पे OH ग्रुप और लग जाएंगे, अब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल है तो H2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर 2 mole H2O के रिमूव हो गए तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा कीटोन, इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ पे मिला हुआ है, ऑप्शन बी में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट 29, इन विच रिएक्शन लास्ट प्रोडक्ट इज PHC CH, ये हमें बनाना है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 mole NaNH2 है, तो हमारे पास 2 mole में तो क्या यूज होंगे, एल्काइन का कन्वर्टेशन,
यानी 2 मोल ऑफ NaNH2 में, तो हमारे पास क्या बनेगा, pH, ये C6H5 है, pH ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर 1 मोल में हमारे पास जो 1 मोल NaNH2 है उससे हमारे पास एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, यहाँ पर बेस दिया हुआ है और यहाँ पर एसिडिक एच है, तो pH C ट्रिपल बॉन्ड C-, फिर हमारे पास NH4Cl से NH4+Cl में तो इससे H+ मिल जाएगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा यहाँ पर pH C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अपन देखें Br2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर pHCC, यहाँ पर एल्कीन है तो ये बन जाएगा Br और यहाँ पर Br, ठीक है। सिमिलरली केस बन गया जैसा यहाँ पर इसमें दिया हुआ था, तो यहाँ पर 2 मोल NaNH2 यूज़ करते हैं तो 2 बार HBr निकलेगा, 1 बार ये H और ये Br, फिर ये H और ये Br, तो यहाँ पर 2 मोल HBr के रिमूव हो गए, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो pHC ट्रिपल बॉन्ड CH बना, फिर हमारे पास 1 मोल NaNH2 है उससे एनायन बनेगा pHC ट्रिपल बॉन्ड C-, जिससे को NH4Cl H+ प्रोवाइड करा देगा और फाइनल प्रोडक्ट pHC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। सिमिलर केस अपन सी केस में भी देखते हैं। अब यहाँ पर जो PCl5 है, PCl5 कार्बोनिल केसेस में क्या होता है, जब भी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को आप PCl5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आप इस वैलेंसी को ब्रेक कर दीजिए और जितनी वैलेंसी ब्रेक हुई है उतने क्लोरीन वहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 वैलेंसी है, 2 क्लोरीन ऐड कर दिए, तो हमारे पास ये क्या C6H5 है, PCl5 के साथ में इसकी रिएक्शन कराते ही हमारे पास ये हो जाएगा pHC क्लोरीन और क्लोरीन, 2 क्लोरीन लग जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर CH3, तो ये सिमिलर केस हो गया किसकी तरह, ए की तरह, तो ए की तरह होते ही यहाँ पर 3 मोल NaNH2 से क्या बनेगा, एनायन pHC ट्रिपल बॉन्ड C-, जिसको NH4Cl के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा pHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट अपने पास देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों में ही हमारे पास ये सेम बन रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इथाइन हमारे पास दिया हुआ है, इथाइन का मतलब है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक्सेस NaNH2 दिया हुआ है, एक्सेस सोडामाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन दोनों एसिडिक एच हमारे पास निकल जाएंगे, दोनों एसिडिक एच हमारे पास निकल गए तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर Na+, यहाँ पर भी Na+, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 4 कार्बन का दिया हुआ है, 4 कार्बन से मतलब क्या है, यहाँ पर आयोडीन, ये 4 कार्बन का ये, सिमिलरली यहाँ पर 4 कार्बन का ही ये हो जाएगा, इसमें आप SN2 अटैक कराते हैं, एक बार इस पर कराइए तो ये निकल जाएगा, दूसरा किस पे अटैक करेंगे, एक इस पे अटैक करेंगे तो ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C तो जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन इधर होंगे और 4 ही कार्बन हमारे पास इधर होंगे, तो अपने पास फाइनल आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट मीन्स 5 डेकाइन, डेक 5, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन में हमारे पास में जो दिया हुआ है उसमें देखिए द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू प्रिपेयर 2-heptanone, 2-heptanone का स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कार्बन है और 2 पोजीशन पे हेप्टेनोन आ रहा है, तो यहाँ पर प्रोपाइन दिया हुआ है, आप प्रोपाइन के आप रिएक्शन कराते हैं C C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। प्रोपाइन 1 प्रोपाइन दिया हुआ है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ है तो अमाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये C C ट्रिपल बॉन्ड C-, इसके आप C4H9Br के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो SN2 अटैक होगा और ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा C C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर नॉर्मल ब्यूटाइल है C4H9, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है Hg2+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है कुचरोव रिएक्शन है, कुचरोव रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दोनों में से कोई जो मोर क्राउडेड है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर ये C4H9, तो ये 4 कार्बन तो ये हो गए, 3 कार्बन ये हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 2-pentanone हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो B, C और D ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें भी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो heptane-2-on ही बनेगा, जैसे आप देख लीजिए आप इथाइन को लेंगे, इथाइन हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी आप सोडामाइड के साथ में रिएक्शन कराई
तो आपके पास में क्या बनेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस बनेगा। अब आप इसकी सी फाइव एच ट्वेल्व बी आर पाँच कार्बन है, पाँच कार्बन पे आप अटैक करा देंगे और ये निकल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी फिर फाइव कार्बन है, तो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा ही मॉलिक्यूल हो गया सिमिलर जैसा यहाँ पे था। फिर इसका हाइड्रेशन करा देंगे एच जी टू प्लस और एच टू ओ की प्रेजेंस में, तो पहले इनॉल बन जाएगा फिर फर्दर कीटोन बन के सेम ही प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह से इन सब में भी जो वाई स्टेप होगा वो सब में सेम आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा और इनिशियल स्टेप क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। जो हमारे पास अपन बेस्ट सिक्वेंस डिसाइड कर पाएंगे वो किससे डिसाइड कर सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर ये वाला स्टेप जो एस एन टू अटैक हो रहा है। अब एस एन टू स्टेक में देखिए यहाँ पर जो प्रोपाइन है, यहाँ पे इथाइन होगा, यहाँ पे हेप्टाइन होगा, हमारे पास ये सात कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पर सेवन कार्बन का एल्काइन होगा और यहाँ पर पांच कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव, ये पांच कार्बन का। तो यहाँ पर जो एस एन टू अटैक होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की क्या हो, साइज कम हो। यदि न्यूक्लियोफाइल की साइज कम होगी तो एस एन टू रेट ज्यादा होगी। यहाँ पर स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल है, ये स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल की वजह से जो एस एन टू रेट है वो हाईएस्ट है, एस एन टू रेट हाईएस्ट होगी क्योंकि यहाँ पर यह अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होगी कंपेरेटिवली इन सब बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स के बजाय। बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या फेवर करते हैं, नॉर्मली एलिमिनेशन फेवर करते हैं ना कि सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन टू रेट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड भी ज्यादा बनेगी, तो यील्ड ज्यादा बनेगी तो वो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा बनेगा, फेवरेबल प्रोडक्ट भी, फेवरेबल रिएक्शन जो होगी वो भी बी हो जाएगी। यहाँ पर यील्ड जो होगी, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वो ज्यादा होगी, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। इसलिए हमारे पास जो बेस्ट सिक्वेंस मेथड यूज करेंगे वो ऑप्शन बी होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप एक बार इसको कंसिडर कर ले कि यहाँ पर जो स्टेप अपन कंसिडर कर रहे हैं बेस्ट सिक्वेंस डिसाइड करने के लिए वो एस एन टू स्टेप डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल के होने की वजह से एस एन टू रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है किस पे, एल्काइल एलाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। 32 में हमारे पास पूछा गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ टू ब्यूटीन विद कोल्ड एल्कलाइन केमेनोफोर। तो टू ब्यूटीन हमारे पास क्या है, ये है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर, क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट होता है। बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन आप यदि एल्कीन के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पर हाइड्रोक्सीलेशन। पर हाइड्रोक्सीलेशन से मतलब क्या है, हमारे पास वन टू डाईल का फॉर्मेशन होता है, वो भी सिन एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली कोल्ड केमेनोफोर के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको जहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वहाँ पे आपको OH OH जोड़ देना है और दोनों OH सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि सिन एडिशन रिएक्शन होती है। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, डी, ठीक है। इस तरह से हमने आज एल्काइन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। यदि आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है इस चैप्टर की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी प्लेलिस्ट लिंक दे दी है, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.